कि आपने अपनी जो आपकी एप्लीकेशन आपके अकाउंट्स के अगेंस्ट बनी है, जिसे आप अर्निंग ऑनलाइन अर्निंग करने के गूगल एडसेंस के ज़रिए, उसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है। तो नाज़रीन वीडियो गौर से देखिएगा और इन तमाम स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। इन स्टेप को फॉलो करते हुए अपनी एप्लीकेशन यूज़ करनी है। जो जो स्टेप बताता हूँ हर स्टेप को एग्जैक्ट फॉलो करना है, और ये समझना कि ये बहुत मुश्किल है, बिल्कुल आसान है। पहले 2-3 दफ़ा यूज़ करते हुए मुश्किल लगता है, लेकिन बहुत ही आसान है और कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ एप्लीकेशन चाहिए होंगी। एक तो आपकी अपनी एप्लीकेशन होंगी जिसका आइकन ये होगा कलरफुल सा और लिखा होगा earn.cash_, आपका नाम आगे लिखा होगा, मैंने ड्रीमर लिखा हुआ है। इसके साथ आपको सुपर वीपीएन वर्ल्ड क्लॉक चाहिए होंगी। ये दो एप्लीकेशन ये आपको प्ले स्टोर से या किसी भी वेबसाइट से इजीली मिल जाएंगी। आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेनी है। आपने यूज़ कैसे करना है कि पाकिस्तान में और इंडिया में बहुत कम रेट होता है एड्स पे क्लिक करने का, इसलिए आपने वीपीएन से किसी दूसरे कंट्री के साथ कनेक्ट करना है। जैसे कि हम अभी कनेक्ट करते हैं, इधर मैं इंतज़ार कर रहा हूँ लोकेशन का के आने का। अगर ना आए तो आप इसको बंद करके दोबारा से ओपन कर सकते हैं। वीपीएन के साथ आपने सबसे पहले कनेक्ट करना है, उसके बाद आपने एप्लीकेशन को यूज़ करना है। तमाम स्टेप्स को दोबारा कह रहा हूँ फॉलो करना है। और एक बात बिल्कुल जहन में रखनी है कि अपने वो वाली ईमेल की आईडी जिस फ़ोन में एप्लीकेशन यूज़ करेंगे किसी भी जगह पे लॉग इन नहीं करनी है, और ना ही इसी फ़ोन पे अपनी अर्निंग चेक करनी है। किसी और के फ़ोन में या किसी कंप्यूटर में पीसी में आप आईडी लॉग इन करके अपनी अर्निंग चेक कर सकते हैं। सॉरी मेरा इंटरनेट ऑन नहीं है, इसलिए ये नहीं आ रहा था लोकेशन वाला झंडा, अभी आएगा। इसको दोबारा बंद करके ऑन करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि वर्ल्ड क्लॉक का क्यों बताया। वर्ल्ड क्लॉक की एप्लीकेशन का आपको मैं बाद में बताता हूँ कि वो किस लिए बताया है। नाज़रीन, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, इनमें एड्स देखने के रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी मैं कनेक्ट करके चेक करता हूँ कि किस कंट्री के साथ कनेक्ट होता है। वैसे यहाँ पे लोकेशन आता है, वहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, मेरे पास नहीं आ रहा तो ये अभी खुद ही बता देगा। ऊपर यहाँ पे फ्लैग आ जाएगा, ये देखिए अमेरिका के साथ कनेक्ट हुआ है, लेकिन स्पीड हाँ आ रही है। तो आइए शुरू करते हैं कि आपने एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है। एप्लीकेशन आपने अपनी ओपन कर ली, ऐसे एप्लीकेशन ओपन होगी तो आपके पास जो पहली स्क्रीन आएगी उस पर ऑटो एड्स होंगे, मतलब कि वो बार हर 10 सेकंड के बाद खुद ब खुद चेंज होते हैं। और जब पहली दफ़ा वो लोड होते हैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं, परेशान नहीं होना है। ये देखें एड्स लोड होना शुरू हो गए हैं। ऊपर ये लिखा हुआ भी है कि ऑटो एड्स व्यू एंड वेट 5 मिनट्स। आपने इस पर कम से कम 3 मिनट, 4 मिनट से 5 मिनट तक रुकना है, क्योंकि ये हर 10 सेकंड बाद चेंज होंगे। तो आपको 4-5 मिनट में 300-400 व्यूज़ मिल जाएंगे। पहले हमने सिर्फ एड्स के व्यूज़ लेने हैं कि हमारे ऐड देखे जा रहे हैं। ये देखें खुद ब खुद ऊपर चेंज हो रहा है। तो मैं क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं ज़्यादा वेट नहीं करता। आपने कम से कम 2-3 मिनट इस पे वेट करना है और अपने मोबाइल स्क्रीन का डिस्प्ले में जाके स्लीप टाइम को बढ़ा देना है ताकि ये स्क्रीन लॉक ना हो, इसको अनलॉक रहने देना है। ये देखें ऐड चेंज हो रहे हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। यहाँ से आपने अपना काम स्टार्ट करना है। इस स्क्रीन पे आपको दो तरह के ऐड आएंगे, एक छोटे इनको बैनर ऐड कहते हैं और एक बड़े फुल स्क्रीन वाले ऐड्स उनको इंटरस्टिशियल ऐड कहते हैं। तो आपने दोनों पे क्लिक करना है, लेकिन ये याद रखना है कि एक ही किस्म के ऐड पे, जैसे ये 30 डेज़ वाला है, बार बार 2-3 दफ़ा से मैक्सिमम 2 दफ़ा, इससे ज़्यादा क्लिक नहीं करना है। सेफ़ ये है कि आप एक ऐड पे एक ही दफ़ा क्लिक करें। जो 5 मिनट 10 मिनट आप यूज़ कर रहे हैं उसमें
एक मखसूस ऐड पे सिर्फ एक दफ़ा ही क्लिक करें। ये देखें फुल स्क्रीन ऐड आ गए, अभी तीन और आएंगे, एक स्क्रीन पे चार ऐड आते हैं, दो हम इस ऐड पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपका ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि जो उसका पेज खुलेगा ऐड का, जिस ऐड पे आपने क्लिक किया है उसका पेज ऐसे खुलेगा, आपने उस पेज पे कम से कम 45 सेकंड रुकना है, कम से कम 45 सेकंड ऐसे ही नहीं छोड़ना है, उसको देखना है कि उसमें क्या कंटेंट्स हैं, क्या डाटा है, क्या चीज़ है, उसको ऐसे देखना है। और 45 सेकंड से ज़्यादा आप रुकते हैं, एक मिनट, डेढ़ मिनट, दो मिनट, तो वो और भी अच्छा है। ऐसे आपने उसको देखना है, विज़िट करना है, और हो सके तो जैसे ये लिंक्स हैं इसके ऊपर, ये देखें लिंक्स पे क्लिक करें तो ऐसे वो ब्लू हो जाते हैं, किसी एक आध लिंक पे ऐसे क्लिक भी कर देना है, दो लिंक पे क्लिक कर देना है, कोई इशू नहीं है, वो ज़्यादा सेफ काउंट होगा कि आप सेफली यूज़ कर रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं रुकता क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपने इस तरह इस पेज पे 45 सेकेंड से एक मिनट, डेढ़ मिनट, दो मिनट तक रुकना है। हम मैंने एक दफ़ा एक लिंक पे क्लिक किया था, अभी दूसरे पे कर देता हूँ। आपने इसी तरह इसके साथ इंटरेक्ट करना है, इस पे छेड़खानी करनी है और इसको यूज़ करना है, इस वेब पेज को। दोबारा आप अपनी एप्लीकेशन पे आएंगे, इसको बैक किया, इसको बैक किया, फिर आपने किसी छोटे ऐड पे क्लिक कर देना है, जैसे मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो आपने ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि मैंने किस किस ऐड पे क्लिक कर दिया, दोबारा मैं उस ऐड पे क्लिक ना करूँ। इस पे क्लिक नहीं हुआ, हम होटल वाले पे क्लिक कर देते हैं। नाजिन, इस तरह अपनी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए आपने 5 से 10 मिनट रोज़ाना इसको इस्तेमाल करना है, और आपको रोज़ाना तकरीबन 10 से 15 क्लिक, 20 क्लिक्स तक करने हैं, लेकिन व्यूज़ आपको ज़्यादा लेने हैं। व्यूज़ 700, 800, 1000 व्यूज़ होने चाहिए, वो आप जो पहला पेज है उससे ले सकते हैं। आपने उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रुकना है, आपको उससे व्यूज़ मिलेंगे। व्यूज़ आप VPN पे कनेक्ट किए के बगैर ही ले सकते हैं, वो इशू नहीं है, लेकिन यूज़ आपने इसको करना है VPN के साथ कनेक्ट करके, ताकि आपको CPC और रेट अच्छा मिले और आपकी अर्निंग ज़्यादा हो। ये फॉर एग्ज़ाम्पल हम दो मिनट इस पर रुके, अभी हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। ये इस तरह नाजरीन टोटल 6 पेज हैं। पहले पेज पे ऑटो एड्स हैं, अगले बाकी पेज पे बैनर और फुल स्क्रीन एड्स हैं। ये देखें, ये नेक्स्ट टास्क 3, ये चौथा पेज आ गया, नेक्स्ट टास्क 4, ये कभी कभी एरर आता है तो इससे परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट टास्क ये आ गया, चौथी स्क्रीन, बल्कि सॉरी, मेरे जो मैं एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ इस पर मैंने मेरे दोस्त ने 4 स्क्रीन डाली हैं, जो आपकी एप्लीकेशन होगी उसमें 6 स्क्रीन हैं। तो आपने इसी तरह हर स्क्रीन पे जाके 2 से 3 क्लिक्स करने हैं और उन पेजेस पे 2 से 3 मिनट ठहरना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 मिनट 20 मिनट यूज़ किया है, आपने टोटल 10 क्लिक्स किए हैं, 10 एड्स पे क्लिक किए हैं एक एक दफ़ा, और आप हर पेज पे 1.5 मिनट 2 मिनट ठहरे हैं। आपने जब यूज़ कर लिया है तो उसके बाद क्या करना है, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले VPN को डिसकनेक्ट करना है, उसके बाद आपने अपना इंटरनेट ऑफ करना है, फिर आपने सेटिंग में जाना है। इन स्टेप्स को नाजरीन लाजमी 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 फॉलो करना है, बार बार बता रहा हूँ, ये इसको यूज़ करने का सही और ओरिजिनल तरीका यही है। फिर आपने गूगल में जाना है, गूगल में आपको शो करेगा कि इस मोबाइल पे आपकी कौन सी ID पहले से लॉग इन है, तो आपने एड्स पे जाना है। यहाँ पे आपको एक ये एडवर्टाइजमेंट ID शो करता है, ये देखें अभी इसके लास्ट पे 732 है, इसको रीसेट करना है, 732 से ये चेंज होकर कुछ और आ जाएगी, ये देखें अभी 337 आ गए। ये एक चीज़ आपने कर दी। दूसरा क्या करना है कि जो जितनी देर आपने एप्लीकेशन यूज़ की है, ऐप्स में जाना है, एप्लीकेशन मैनेजर किसी फ़ोन में होता है उसमें जाना है, जो एप्लीकेशन आपकी यूज़ हुई है आपने उसका डाटा क्लियर करना है, ये बात जहन नशीन कर लें। ये देखें मैंने ये एप्लीकेशन यूज़ की है, इसका मैं क्लियर डाटा करता हूँ, उसके बाद यूज़ हुआ है मेरा UC ब्राउज़र, ये देखें डाटा में आ रहा है 1.02 MB, इसको क्लियर डाटा किया।
इसके बाद मैंने जाना है सुपर वीपीएन में, क्योंकि सुपर वीपीएन के जरिए मैंने कनेक्ट किया था और इसका डाटा भी आ रहा है 1.27 MB। इसको क्लियर डाटा कर दें। ये नाज़रीन आपका कंप्लीट हो गया, जो आपने 10 मिनट 15 मिनट काम करना था वो आपका काम कंप्लीट हो गया। आपने इस तरीके से रोज़ाना काम करना है, और वीडियो की अगर समझ नहीं आती तो इसको बार बार देखना है, ताकि आप सही तरीके से इसको फॉलो करें और सही तरीके से काम कर सकें। अच्छा, वर्ल्ड क्लॉक का मैंने आपको बताया ही नहीं। वर्ल्ड क्लॉक इसलिए है, वर्ल्ड क्लॉक इसलिए है कि सुबह के टाइम रेट और CPC ज़्यादा होता है, कॉस्ट पर क्लिक। एक क्लिक करने से कितना आपको बैलेंस मिलता है, कितनी अर्निंग होती है, वो सुबह के टाइम ज़्यादा होती है। वर्ल्ड क्लॉक इसलिए है कि यहाँ पे इस बटन पे आप क्लिक करके अपने जो VPN में आपको कंट्रीज और सिटीज़ शो हो रहे होते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि किस शहर में कम से कम टाइम है। ये सुबह सुबह का टाइम है। जैसे भी मैं सैन फ्रांसिस्को USA के साथ कनेक्ट था, तो वहाँ पे सुबह के 4:15 हुए हैं। न्यूयॉर्क में 6:45 हुए हैं। कनाडा में 6:45 हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में रात का टाइम है, इसके साथ नहीं कनेक्ट करते। इस तरीके से आपने जिस जगह पे सुबह सुबह का टाइम होगा, आपने उस VPN के ज़रिए उस कंट्री के साथ कनेक्ट करना है। ये तरीका है नाज़रीन। वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको सही समझ आ जाए, और अपनी एप्लीकेशन को यूज़ करके आप अर्निंग करें। और सबसे ज़रूरी बात, जिस फ़ोन में एप्लीकेशन यूज़ हो रही है, उस फ़ोन में वो वाली ईमेल आईडी जिस पे एप्लीकेशन बनी हुई है, वो वाली ईमेल आईडी कभी भी किसी भी जगह पे लॉग इन नहीं करनी। किसी और के फ़ोन में या PC में लॉग इन करके आप अपनी अर्निंग चेक कर सकते हैं। साथ साथ अपनी ईमेल भी चेक करते रहना है। आपको 1 महीने में 2 महीने में गूगल की तरफ से पिन कोड आएगा। उस पिन कोड के अगेंस्ट आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, जिसमें आपकी अर्निंग ट्रांसफ़र होगी। हाज़िर, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह।